साढ़े दस महीने से अधिक का समय गुजरने के बाद राजधानी जयपुर में 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघर खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में जयपुर के राजमंदिर सिनेमा और दो अन्य मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर भी खोल दिए गए हैं। हालांकि पहले दिन फिल्म देखने वाले दर्शकों की संख्या काफी कम रही। दर्शकों को थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के साथ ही प्रवेश दिया गया। वहीं टिकट और फूड ऑर्डर पेपरलेस रखा गया है। इस दौरान राजमंदिर सिनेमा का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। जैसे जैसे प्रदेश में कोरोना का कहर खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे ही अब जो है सरकार की तरफ से लगातार छूट दी जा रही है। अगर बात करें प्रदेश की, तो आज से प्रदेश में सभी सिनेमाघर जो है खोल दिए गए हैं। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े और पुराने जो है सिनेमाघर राजमंदिर भी आज खुल गया है। जो है फिल्म देखने के लिए पहुँचे हुए हैं अपने परिवार के साथ में, और लंबे समय बाद करीब जो है करीब 10.5 महीने से अधिक समय बाद ये सिनेमाघर ओपन हुए हैं। और सिनेमाघर में जो है इस बार जो है केवल 50% क्षमता के साथ अभी प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आज मास्टर मूवी है वो यहाँ पर लगाई गई है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या देखने के लिए आए हैं आज इतने लंबे समय बाद। सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कब ये सिनेमाघर खुलेगा, कब हम जाएँ। जैसे हमें पता चला न्यूज़ में कि ये सिनेमा खुल रहा है, हमें तुरंत इमीडिएटली हमने टिकट बनवा लिए, टिकट भी हमने ऑनलाइन मिला हमें ये टिकट भी, और हम बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे इतने? मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, मैंने पहली बार देखा है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। शादी अभी हुई है मेरी, इसलिए मैं पहली बार ही आई हूँ। देख सकते हैं कि नई शादी हुई है, वो भी लोग देखने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, सबसे बड़ी बात क्या है, हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया का सबसे अच्छा तीसरे नंबर का बिस्कुट जो चौकी जी यहाँ पर जयपुर में है राजमंदिर, तो उसको देखने के लिए सर यहाँ पर आए। मैं अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आया हूँ सर। दूसरा क्या है सर, कोविड-19 लगभग एक साल से चल रहा है सर, इसके बाद अगर राजमंदिर टॉकी चालू हुई है तो यहाँ बहुत से लोगों को सर रोजगार मिलेगा। अभी हमारे साथ जो है राजमंदिर के मैनेजर है अशोक जी तंवर साहब। सर, बताएं किस तरह की मूवी लगी आज इतने लंबे समय बाद, क्या उम्मीद है, कितने दर्शक पहुँचे? हम दर्शकों का तो कह नहीं सकते, ग्राहक कर्म होता है भरोसा, लेकिन पब्लिक को जैसे जैसे पता लगेगा, कुछ तो डर भी है, धीरे धीरे डर खुलेगा लोगों का, लेकिन पर राजमंदिर देखने जरूर आई पब्लिक, क्योंकि दिन भर टूरिस्ट बहुत आता है और बहुत परेशान होता है टूरिस्ट, सब पैसे ले लो, दिखा दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होता। आज जो है खुले गए हैं, 50% दर्शकों की एंट्री रहेगी, किस तरीके से कोविड की गाइडलाइन की पालना की जा रही है? जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार खोला है और पूरी पालना की जा रही है। बड़ी मूवी नहीं मिली है इस बार, कौन सी मूवी लगाई गई? मास्टर्स मूवी जो है लगाई है आपने, क्या कारण रहा है ऐसा, कब उम्मीद है कि बड़ी मूवी मिलेगी? बड़ी मूवी मार्केट में थी नहीं, मार्च में बड़ी मूवी आएगी जब लगाएंगे, अभी तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी तो खोलना जरूरी था। दर्शक पहुँचे, आपको इतने समय से जैसे कारोबार बंद था सिनेमाघरों का, अब उम्मीद सरकार का क्या कहना चाहेंगे, धन्यवाद क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, तो बड़े दिनों बाद हमारी सूद ली। देख सकते हैं कि सरकार का भी जो है यहाँ पर जो है आभार जता रहा है, क्योंकि सिनेमाघर अब खुल चुके हैं, कुछ लोग मूवी देखने के लिए पहुँचे। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है, इसके बाद में जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही सिनेमाघर संचालकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनको जो है दर्शकों का भी जो है अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि अभी बड़ी मूवी लगी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अच्छी पिक्चर मिलते ही बड़ी मूवी भी यहाँ पर दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV जयपुर।